इतनी सारी शुगर डाल करके मिल्क टी ले लेते हैं। क्या आप भी बढ़ते वजन से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं? बॉडी में कई तरह की दिक्कत जो है बढ़ते वजन की वजह से होती है। यहाँ पर हमारे पास हमारी क्लाइंट है मिसेज अनु। पहले आपका वजन कितना था? 78। अब लगभग आप देख सकते हैं 72.85 इनका वजन आ रहा है। 5.5 किलो वजन आपने अनु कितने टाइम में रिकवर करा है? कम से कम 1 से 1.5 महीने में। 1 से 1.5 महीने के अंदर इनको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ, बहुत अच्छे डाइट प्लान के साथ, आइए हम दिखाते हैं कि हमने इनका वजन कैसे कम करवाया है बिना किसी वीकनेस के। आप देख सकते हैं यहाँ टेबल पे लेफ्ट हैंड पे कुछ सामान रखा हुआ है और राइट हैंड पे भी कुछ चीजें रखी हुई है। इस तरफ जो सामान है वो आपको जो है अपनी डाइट में नहीं लेना है अगर आप वेट लूज प्रोग्राम में चल रहे हैं, और जो इस तरफ चीजें हैं वो आपको लेनी है। वेट लूज करने में ये ड्रिंक मॉर्निंग में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और ये बहुत अच्छे से इस काम करता है। लोग क्या गलती करते हैं, वो सुबह उठते ही खाली पेट जो है इतनी सारी शुगर डाल करके मिल्क टी ले लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। और ये ड्रिंक अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं तो आप इससे बहुत इजीली अपना वेट लूज कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। अब इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए आपको ग्रीन बीन्स पाउडर लेना है। ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसको आपको पानी में रात को भिगो के रखना है। आपको लगभग 1 चम्मच जितना जो है इसको आपको पानी के अंदर डालना है और कांच के बाउल के अंदर आपको इसको रात को भिगो के रखना है। सुबह इसे आधा हो जाने तक इसे बॉईल करना है। उसके बाद इसमें आपने आधा नींबू जो है इस पानी में डाल करके मॉर्निंग में खाली पेट लेना है। इसको खाली पेट लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ नहीं लेना है। आप चाहें तो फिर उसके बाद आप कुछ भी भीगे हुए नट्स ले सकते हैं। अब आप वेट लूज प्रोग्राम में हैं और उसके लिए आती है बारी अब ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट के अंदर मोस्टली लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मोस्टली पेशेंट्स जो है लोग वो ब्रेड का सेवन ज़्यादा करते हैं, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, आपका वेट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। इसके बदले में आपको जो है मॉर्निंग में पोहा लेना है। बहुत सारे वेजेस डाल करके आप पोहा ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा वेट लूज का स्रोत है। इसके अलावा हरे मूंग की दाल को स्प्राउट करके, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये आपकी बॉडी को जो है स्टमक को काफ़ी देर तक फुलफिल रखता है। इसके अलावा क्योंकि आप एक ही चीज़ को डेली नहीं ले सकते हैं, आप सूजी का चीला, बेसन का चीला नॉनस्टिक पैन में बना करके आप वो भी इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जब आप मिड डे ब्रेक होता है तो पेशेंट्स क्या करते हैं, कोई भी अनहेल्दी चीज़ का जो है सेवन कर लेते हैं। अनहेल्दी चीज़ आपको नूडल्स, चिप्स वगैरह नहीं लेना है। इसके बदले में है आपको पपाया लेना है। 12 बजे जो है हम पेशेंट को डाइट प्लान में देते हैं, आपको कम से कम 300 to 350 ग्राम्स जो हैं आपको इसके अंदर पपाया का सेवन करना है। उसके बाद लंच करने से पहले आपको 1 खीरे का सेवन डेली करना है। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करेगा, आपके बॉडी से जितने तरह के जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको आउट करेगा। उसके बाद आपको लंच के अंदर गेहूं के आटे की रोटी नहीं लेनी है, आपको मल्टीग्रेन आटा यूज़ करना है। ये बहुत ईजिली मार्केट में आपको मिल जाएगा। आपको रोटी का सेवन कम और दाल सब्जी का सेवन ज़्यादा करना है। इसके साथ साथ आप खाने में दही या बटर मिल्क भी ले सकते हैं अगर आपको किसी तरह के कोई बॉडी पेन्स नहीं है तो। अब जो मेन अनहेल्दी टॉपिक आता है वेट लूज के अंदर वो ही आता है मिड डे स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स का। इवनिंग स्नैक्स के अंदर जो है पेशेंट्स कुछ इस तरह की गलती कर देते हैं कि वो इजी अवेलेबल जो मार्केट में नूडल्स मिल जाती हैं या कोई पैक्ड फूड्स मिल जाता है उनका सेवन कर लेता है, चिली पोटैटोज, बॉयल पोटैटोज, जो कि वेट लूज प्रोग्राम के अंदर पेशेंट को नहीं लेना है। किसी भी तरह का कोई सॉफ्ट ड्रिंक आपको नहीं लेना है। अगर आप चाहें तो आप इवनिंग में टी ले सकते हैं, लेकिन उस टी के अंदर आपको जो है शुगर कंटेंट नहीं डालना है। इसके बदले में आप डाल सकते हैं धागे वाली मिश्री का पाउडर बना करके, ये ले सकते हैं। इसके अलावा आप जागरी पाउडर, जिसे आप गुड़ बोलते हैं, इसका पाउडर भी ले सकते हैं आप चाय के लिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। इसके बाद नाइट के अंदर आपको डिनर लेना है। वेट लूज पेशेंट का जो डिनर होता है वो बहुत ही लाइट होता है। बहुत लाइट होने के साथ साथ जो है पेशेंट को टाइमली अपना डिनर लेना होता है, जो कि 7-7:30 के अराउंड ले लेना है। इसके अंदर आप लॉट्स ऑफ वेजेस डाल करके 1 बाउल दलिया ले सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है वेट लूज के लिए। आप स्प्राउट्स दाल भी ले सकते हैं डिनर में, और किसी भी तरह के सूप्स का भी सेवन आप कर सकते हैं, बट वो होममेड होना चाहिए। आप फ्रूट्स भी कट करके ले सकते हैं। आपने डिनर 7:30 ले लिया है और उसके बाद आप नाइट में 9, 9:30, 10 बजे जो है अगर आपको बॉडी में पेन्स रहते हैं तो आप हल्दी वाला दूध लेंगे। हल्दी वाला दूध लेने से जो है आपकी बॉडी के जो पेन्स होते हैं, बॉडी में जो वीकनेस होती है, वो सब आउट
हो जाती है। ये था एक तरह का डाइट प्लान जो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि मोस्टली क्या पेशेंट को लेना है वेट लूज प्रोग्राम में और क्या नहीं लेना है। हम जुम्बा क्लासेस के लिंक्स हैं जो आपको वीडियोस भेजते हैं, जैसे किसी का एल्बो पार्ट में वेट ज्यादा होता है या स्टमक का, तो उन सब चीजों के एक्सरसाइज की जुम्बा क्लासेस के लिंक आपको दिए जाते हैं जो आप इजीली बिना जिम जाए अपने इजीली घर पर भी अपनी क्लासेस ले सकते हैं। मैम मुझे जुम्बा क्लासेस की वीडियो सेंड करती थी और उन्हीं के थ्रू मैं घर पे एक्सरसाइज करती थी। इस तरह आप भी अपना वजन कम कर सकते हैं सिंपली घर के बने हुए खाने से। हम बेसिकली जो है पेशेंट्स को उनकी डाइट के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके वजन के अकॉर्डिंग जो है उनका डाइट प्लान बना करके देते हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं हर चीज़ की रेसिपीज हम आपको बताते हैं, और अगर आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो रही है प्लान के अंदर तो आपको खाने में वो सब भी मिलता है, जस्ट लाइक राजमा चावल, कढ़ी चावल जो मोस्टली देखा जाता है सबके फेवरेट्स होते हैं। इसके साथ साथ ही हम कुछ नेचुरल मेडिसिन होती हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये सब चीज़ें आपको पैकेज में दी जाती हैं जिससे आप बहुत ईजिली स्लो वर्कआउट के अपने बॉडी के फैट को, अपने वेट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। मैं डाइटिशियन साक्षी, आप किसी भी तरह के वेट लूज प्रोग्राम के लिए, डाइट प्लान के लिए, नेचुरल मेडिसिन के लिए एंड जुम्बा क्लासेस के लिए आप दिए गए नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।